नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डायनेमिक की जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज M1 एंड M2 आर टाइड टू द एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड मॉडुलस लैम्डा। दे आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल सो दैट द स्ट्रिंग इज जस्ट टॉट एंड M2 इज देन प्रोजेक्टेड विद एनी वेलोसिटी डायरेक्टली अवे फ्रॉम M1। प्रूव दैट द स्ट्रिंग विल बी बिकम स्लैक आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम। क्या कह रहा है कि देखिए कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण एक प्रत्यास्थ डोरी के सिरों पर बंधे हैं जिसकी स्वाभाविक लंबाई ए है, यानी कोई डोरी है जिसकी स्वाभाविक लंबाई ए है और उसके दोनों सिरों पर जो दोनों एंड वाले सिरे होंगे उन पर दो द्रव्यमान वाले कण हैं M1 और M2। देखिए हम पहले जो पढ़ रहे थे उसमें एक ही कण था, लेकिन अब यहाँ पर दो द्रव्यमान वाले कण हो गए। अब दोनों के कारण मोशन होगा, दोनों के कारण गति के इक्वेशन निकलेंगे, वो हमें फाइंड करने हैं और उन हिसाब से ही हमें जो मान वैल्यू फाइंड आउट होगी टाइम टाइम की या आवर्तकाल की, वो उसी प्रकार से हमें ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर मॉडुलस लैम्डा दे रखा है और इन्हें एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि डोरी अपनी स्वाभाविक लंबाई में ही खिंची है, तो उसकी नेचुरल लेंथ है उसी में वो खिंची हुई है, तनाव में है। यदि M2 को अब M2 द्रव्यमान है उसे मैं उसी रेखा में सीधी रेखा में M1 से दूर दिशा में फेंकता हूँ तो डोरी ढीली होने के पूर्व व्यतीत हुआ समय पाई अंडर रूट ए M1 M2 लैम्डा M1 प्लस M2 होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। अब देखिए मैं क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्या है, ये क्वेश्चन हटा दिया जाए। देखिए क्या है, कोई एक डोरी दे रखी है हमें AB जिस पर M1 द्रव्यमान लगा रखा है M2 द्रव्यमान लगा रखा है। अब देखिए ये पहले से ही कह रहे हैं स्वाभाविक लंबाई है इसकी A, इसी में ही ये खिंची हुई है। अब कह रहा है कि मैं यदि M2 को दूर फेंक रहा हूँ, इससे दूर यानी आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ तक खींचा। अब आप सोच कर देखिए, सपोज कीजिए यदि अब ये दोनों M1 और M2 हैं वो इस प्रकार हैं, दोस्तों देख सकते हैं आप, मान लीजिए ये M2 है M1 है। अब ये दोनों यदि इन दोनों के बीच में मैं एक धागा बांध दूं तब ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ये इधर भी जा सकते हैं, तो यानी ये फ्री हैं मूवमेंट के लिए, ऐसे नहीं है कि ये बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए बिल्कुल भी नहीं है, ये मूव कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, यानी ये इधर भी जा सकता है। अब M2 इधर जाएगा, अब ये डोरी है, यदि M2 इधर जाएगा तो M1 भी तो जाएगा। अब M1 जाएगा तो मान लीजिए ये यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन हुआ है, विस्तार हुआ है एक्स तक, और ये पॉइंट मैंने मान लिया A'। अब ये M2 कहाँ जा रहा है, इधर। अब आप जानते हैं इसमें एक्सटेंशन होगा तो तनाव, जो विस्तार है तो तनाव भी उत्पन्न होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर टी तनाव हुआ है। अब इसके कारण यदि M2 भी जा रहा है तो इसके कारण भी तनाव उत्पन्न होगा, वो भी मान लीजिए क्या है, टी है। ये हमें दे रखा है और लैम्डा हमें दे रखा है, मॉडुलस इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता मापांक हमें दे रखा है। दोस्तों अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिस्टेंस ये होती है इसी से तो अगर हम गति के इक्वेशन निकालते हैं, जो टी का मान निकालते हैं हम टेंशन, वो यहीं से यानी जो विस्तार है वो ही तो निकालते हैं इस, यहाँ से जो आगे दूरी वाई और यहाँ से टोटल, देखिए वाई ये इतना आगे खिसकी है ये, और इसकी स्वाभाविक लंबाई क्या है, टोटल इतनी खिसकी है वाई और स्वाभाविक लंबाई क्या है, ए है। अगर वाई माइनस ए कर दूँ तो इसका जो विस्तार आ जाएगा, कितना इसने एक्सटेंशन तय किया, कितना एक्सटेंशन ट्रेवल किया, वाई माइनस ए, और अपोन में अगर मैं स्वाभाविक लंबाई जो नेचुरल लेंथ है उसका भाग दे देता हूँ और लैम्डा की मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये हमारा तनाव आ जाता है जो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। क्यों आया वाई माइनस ए, मैंने ये समझा दिया है कि यहाँ से ये इतना ट्रेवल किया है इसने, क्योंकि हमने खींचा है कहीं तो जाएगा, अब ये तो इतना है ट्रेवल किया है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी AB, ये पार्टिकल यहाँ पर आया है, ये पार्टिकल यहाँ आया, लेकिन नेचुरल लेंथ में तो कोई फर्क नहीं होगा, वो तो एक ही ए रहेगी, और जो टोटल ट्रेवल किया है वाई और वाई माइनस मैं ए कर दूं तो इसका एक्सटेंशन मुझे विस्तार प्राप्त हो जाएगा और अपॉन में ए कर दूंगा तो मुझे इसका जो टेंशन है वो मान प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए M1 की गति का इक्वेशन, अब M1 है
ये तो फ्री इक्वेशन करेगा, इसके साथ ही जो इसकी मूवमेंट होगी वो इस पर निर्भर करेगी, यानी M1 तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन यदि M2 गति करेगा, हम M2 को फेंक रहे हैं ये भी करेगा, और साथ साथ में M2 M1 को भी गति कराएगा, M2 M1 को भी गति कराएगा और M1 को गति कराएगा, तो देखिए इसके ये भी ले जा रहा है, और इसके विपरीत यदि हम इसको गति करा रहे हैं, क्योंकि ये तो जड़त्व का नियम का पालना करेगा, वहीं रहेगा, और हम इसे खींच रहे हैं, तो चिन्ह का क्या आएगा, एक चिन्ह माइनस आएगा, वो आपको याद रखना है। तो देखिए अमवन गति का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अमवन d²x/dt² दोस्तों मेहनत इतनी ही लग रही है इस चीज़ में, मैंने आपको शॉर्टकट रूप में दिखा दिया, मुझे मेहनत इतनी ही करनी पड़ रही है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम एक वीडियो में दो क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और इतना बड़े क्वेश्चन एक वीडियो में एक ही हो सकता है, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं समझाने में, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रयोग करके देखा है आपके लिए, ताकि एक वीडियो में आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवा सकूं, और ऐसे ही हमने प्रयोग किया है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा ताकि मैं लिखने वाला टाइम बच जाए, और यहाँ पर जो छोटा मोटा डाइग्राम मैंने बना दिया वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, ताकि ये क्वेश्चन 9 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, अन्यथा 20 से 25 मिनट आसानी से लग जाते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। आप अगर कॉलेज में पढ़ हैं तो आप वहां पर देख लेना, जो टीचर हैं वो एक दिन में एक क्वेश्चन ही करवाते हैं, हमारे वाले तो ऐसे ही करवाते हैं, आपका दोस्तों पता नहीं, लेकिन देख लीजिए मैं आपके लिए छोटा सा एक प्रयोग करके देखा है, ताकि हम 2 से 3 क्वेश्चन कर सकें और हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं, देखिए M1 d²x/dt² क्या होगा, टी, ठीक है, ये आया हमारा एक मान, और अब देखिए एक द्रव्यमान होता है तो M1, अब दो हैं यहां पर तो M2 के कारण भी तो होगी, M2 के कारण गति का इक्वेशन क्या होगा, M2 के कारण, अब देखिए M2, अब मुझे बताइए आप, देखिए M2 के कारण, अब देखिए ये इसे भी ले जाएगा, तो देखिए टोटल y है, तो ये y+x भी तो होगा, यहां पर x भी जुड़ेगा, क्योंकि ये इसे भी खींच रहा है और खुद भी खींच आगे जा रहा है और इसे भी खींच रहा है, तो क्या होगा y+x, तो d²x/dt² ये आने की बजाय प्लस में y भी आएगा दोस्तों, y आएगा और बराबर क्या होगा, मैंने अभी बताया -t क्यों आया है, क्योंकि ये इसे भी खींच रहा है और इसके विपरीत लगा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर -t आया है। इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए और इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, एक बार डस्टर देख लेता हूँ, ठीक है, अब देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया, मुझे मालूम है। अब देखिए M2 को मैं इधर ले जाता हूं, तो d²x/dt² + d²y/dt² - t/M2 यही तो आएगा। अब देखिए आगे इतना आ गया, अब जो हमने इक्वेशन निकाली थी d²x/dt² का मान यहां पर क्या है, t/M1, अब ये मान मैं यदि यहां पर रख दूं, तो देखिए d²y हमें जो गति का इक्वेशन निकालना है d²y/dt², यही तो निकालना है, इसी के कारण तो यही तो एक्सटेंशन हुआ है, यही तो हमारी जो इक्वेशन आएगी और यहीं से हमारा आवर्तकाल आएगा। अब देखिए यहां पर पार्टिकल इधर ही जा रहा है, वापस देखिए इधर नहीं आ रहा है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, आधा होगा, तो 2 से आगे जो आंसर आएगा हमारा t(2π/√μ) उसे हमें t(π/√μ) लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टिकल इधर ही जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसे ऐसे चम गति नहीं कर रहा है, हमें ढीली होने का समय ज्ञात करना है। देखिए ढीली होगी, इधर गया ढीली होगी, लेकिन वापस आ रहा है वो तो हमें टाइम नहीं निकालना, तो आधा होगा, आपको इतना समझ में आया होगा d²y/dt². अब देखिए यहाँ पर माइनस tm1 माइनस का और -tm2, बोलिए इतना कहीं दिक्कत मेरे ख्याल से तो आपको नहीं है, अब इस डायग्राम की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी अगर क्लियर हो जाती है चीजें। d²y/dt² टी कॉमन निकाल लीजिए, माइनस भी निकाल लीजिए, तो यहां अंदर क्या बचेगा, M1 ऊपर देखिए M2 माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो यानी हम लिख सकते हैं इसे M1 + M2 भी लिख सकते हैं, या M2 + 1 ही बात है, कोई सा भी लिख दीजिए M1 M2, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया d²y/dt² -t का मान मैंने ये निकाला था, तो ये मान मैं यहां पुट कर देता हूं, d²y/dt² -λy - a/a M1 + M2 / M1 M2, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही कम हो जाएंगी हमें d²y/dt² क्लासेस पूरी देखिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ तो करना ही करना है डेफिनेटली,
वाई माइनस ए एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू ए। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन मिल गया, हमारे पास माइनस भी है और जो हमारे पास एक्स होता है उसकी जगह वाई माइनस ए भी है और y माइनस ए है, तो ये वो बता क्या, वो x ही तो बचा है, y माइनस ए भी है, लैम्डा भी है और सारी चीजें होने के बाद आप जानते हैं कि t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, तो अंडर रूट म्यू यानी म्यू का मान इस इक्वेशन से मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, म्यू का मान ज्ञात करना है, तो ये तो हो गया, तो लैम्डा m1 प्लस m2 a m1 m2 ये मैं कर देता हूँ साफ। अब मान रख देता हूँ यहाँ पर t बराबर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू की जगह लैम्डा अंडर रूट में अंडर रूट एम वन प्लस एम टू और इससे ऊपर में ले जाता हूँ तो a एम वन एम टू। अब देखिए मैंने कहा था कि हमें टाइम लेना है t बाई टू और t बाई टू लेंगे तब देखिए क्या होगा, t बराबर 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा और अंडर रूट क्या आ जाएगा लैम्डा एम वन प्लस एम टू और ऊपर आ जाएगा ए एम वन एम टू। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, क्या है प्रश्न मैं पढ़ देता हूं और फिर आपको मैं इसका अर्थ बता दूंगा। पढ़िए साथ में कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ लाइट वायर, यानी कोई कण है वो किसी एक बाहरहीन तार से लटका हुआ है और विद स्ट्रेच्ड टाइट और जो टाइट बंधा हुआ है बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट विद टेंशन और तनाव टी है उसमें, इफ ए एंड बी आर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द टू एंड प्रूव दैट द पीरियड ऑफ ए स्मॉल ट्रांसवर्स ऑक्सीलेशन इज, यानी क्या कह रहा है कि दोस्तों कि कोई आम द्रव्यमान का एक कण है जो बाहर हीन तार से लटका हुआ है और जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में, कोई दो स्थिर फिक्स पॉइंट है हमारे पास उनके बीच में टी तनाव जो उसमें तनाव लग रहा है दोनों में सेम है, ए और बी में तनाव सेम है, अब डायरेक्शन अलग हो सकती है लेकिन तनाव सेम है। अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है कि यदि तार के सिरों से कण की दूरियां ए और बी हो, यानी जो स्थिर पॉइंट है उससे ए और बी है, अब मान लीजिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी फिर ए प्लस बी, तो प्रूफ करना है कि हमें अम के छोटे अनुप्रस्थ दोलन काल जो हमारा दोलन काल है या ऑक्सीलेशन है वो 2 पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन टी ए प्लस बी होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं और आपको इस क्वेश्चन पर ले आता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न ने कहा है कि बस इतना ध्यान रखना है हमें कि कोई दो फिक्स पॉइंट है इनके बीच में हमें एक अम द्रव्यमान का कण लगा है, अब ये डिस्टेंस हमें दे रखी है ए है, ठीक है, और ये दे रखी है बी है, अब इन दोनों का योग कितना होगा, टोटल कितनी हो गई a प्लस बी। अब क्या कह रहा है कि इसे हम इसे जो ये यहां से द्रव्यमान हम सीधा खींचते हैं ऊपर और मान लीजिए ये यहां तक आया है, लंबवत खींचा है, परपेंडिकुलर इसे खींचा है और खींचने वाली को डिस्टेंस, यही तो वो विस्थापन होगा, यही तो एक्सटेंशन होगा, यही विस्तार होगा, वो है एक्स, लेकिन ये एक्स क्या है, बहुत ही छोटा है, x अल्पतम है या मिनिमम कह सकते हैं, यानी इन दूरियों से a और b से बहुत ही छोटा है। अब देखिए x हो गया, अब यहां से जो तनाव अब इसे इधर खींचा है तो दोनों सिरों पर तो टेंशन उत्पन्न होगा, अब मान लीजिए जो ये टेंशन है और इन्हें देर का है कि ये t है, अब बताइए आप टेंशन यहां हुआ है a सिरों पर तो क्या टेंशन की डायरेक्शन है वो इसी ओर होगी। दूसरी बात इधर देखिए बी की ओर, यहां पर भी क्या होगा वही बात, टेंशन यहां की ओर लगेगा, टी यहां के लगेगा। अब देखिए यहां पर जो पहले तो हमें सीधा खींच रहे थे, अब यहां पर इसने ऐसे सीधा खींचा है तो यहां पर घटक होंगे, अब यहां पर वो टेंशन का मान नहीं रहेगा, यहां पर कोस के रूप में होगा। अब हमें टेंशन तनाव ज्ञात करना है तो कोस का घटक लेना होता है और आप जानते भी हैं ऐसा, कोस के घटक लेने से हमें टेंशन मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और
बदलेगी। अब डायरेक्शन आप जानते हैं जिसकी ओर होती है वो, यानी बिंदु फिक्स पॉइंट की ओर है, तो यहां पर नेगेटिव चिन्ह आएगा और ये भी घटक क्या होगा, नेगेटिव चिन्ह होगा। लेकिन वहां पर क्या होता था, एक नेगेटिव होता था और एक पॉजिटिव होता था, लेकिन अब यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो टेंशन क्या है, दोनों ही नेगेटिव होंगे और घटक क्या है, मान लीजिए ये कोण पी पॉइंट है, अब ये कोण थीटा वन है, ये कोण मान लीजिए थीटा टू है, माना है हमने। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस और ये हो गया बेस हमारा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये घटक हमारे कोस के हो गए दोनों ही, कोस थीटा वन कह लीजिए, कोस थीटा टू कह लीजिए, लेकिन ये घटक क्या है, परपेंडिकुलर वाले, साइन थीटा वन वाले और साइन थीटा टू। लेकिन हमें घटक कौन से लेने हैं, ये लेने हैं, हमें यही घटक लेने हैं कोस वाले, और कोस वालों से हमें वैल्यू प्राप्त होगी। अब देखिए आप, सबसे पहले मैं कोस का मान निकालूंगा, तो कोस में क्या होगा, आधार और अपोन कर्ण में आएगा, तो मुझे ये मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथा, आप वो सारी चीजें लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। आप लिख सकते हैं कि माना, पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, सपोज दैट, ए बी कोई रेखा है जिसमें ओ ए बराबर मेरे पास क्या है दोस्तों, ए है, और ओ बी बराबर क्या है, बी है, ठीक है। ओ क्या है, फिक्स पॉइंट है, आप ये सारी लाइनें लिख लीजिए, फिक्स पॉइंट है। अब देखिए ओ को, ये बातें लिखनी है, ओ को सीधा खींचा और पी पर पहुंचाया, अब पी पर यहां पर टेंशन उत्पन्न होगा टी, यानी एपी पर टेंशन क्या होगा, टी उत्पन्न होगा। अब हमें एपी का मान ज्ञात करना है पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए बहुत आसान हो जाएगा अभी ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे, तो एपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये पाइथागोरस यहां पर ये लगेगा, और ये क्या है एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें मान निकालना है एपी का, एपी का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो ए आएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की पावर हाफ, अब इसका प्रसार कर दीजिए, तो ए वन प्लस, अब वन प्लस वन एक्स की पावर एन होता है, तो वन प्लस एन एक्स ही तो इसका प्रसार होता है, तो एन एक्स लगाएंगे तो वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बात बताता हूं, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अब देखिए एक्स का मान मैंने क्या माना है, मिनिमम है, ए से क्या है, बहुत छोटा है, मिनिमम है, ए से छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, छोटा है, ये तो मिनिमम मान हो गया। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है वो क्या इससे भी छोटी होगी, तो मैं आगे जो एक्स स्क्वायर वाले, एक्स क्यूब वाले, एक्स फोर वाले सारे पदों को मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, नगण्य मानने पर। अब नगण्य माना तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साफ बचा क्या मेरा एपी के बराबर, यही बचा। इसी प्रकार बीपी के बराबर क्या आ जाएगा, ऐसा ही हम लगाएंगे तो बी आ जाएगा, बस यही तो मान रखना है। अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का समीकरण है, वो क्या होगा, गति का समीकरण हमें प्रूफ करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, गति का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है दोस्तों, बस आप देखते जाइए, हम सारी प्रूफ चीजें प्रूफ करेंगे, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, यही तो है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, डायरेक्शन दोनों की एक तरफ है, तो ये क्या हो गए, दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस, और हमें टी तनाव दे रखा है, तो माइनस टी कोस थीटा टू माइनस टी कोस थीटा वन, ये घटक दोनों है, ठीक है। अब देखिए माइनस टी मैं कॉमन निकाल लेता हूं, कोस थीटा टू का मान क्या होगा हमारा, ओपी अपोन एपी, यही तो होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया, ओपी आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओपी अपॉन क्या हो गया एपी प्लस। इसी प्रकार यहां पर देखिए बीपी, यही तो होगा ओपी अपॉन बीपी, ये लीजिए। अब देखिए माइनस टी, ओपी को मैं कॉमन निकाल लूं, वन अपॉन एपी का मान क्या है मेरे पास, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, और ओपी क्या है मेरा एक्स है, ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, बस समझाने वाला चाहिए आपको। हम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर का मान निकाल लीजिए, माइनस टी अपॉन एम,
हम इधर आ गया, वन अपॉन ए बी को इससे हम सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए बी इंटू एक्स। अब देखिए ये समीकरण वो बन गया हमारा, यहां से हम म्यू का मान निकाल सकते हैं, हमें निकालना है टी बराबर टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। अब म्यू का मान क्या आ जाएगा मेरा, यहां से तुलना कीजिए तो माइनस नहीं टी अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब ये म्यू का मान रख दीजिए इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा दोस्तों, टी बराबर टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू है तो अपॉन अंडर रूट टी अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखिए ये ऊपर जाएंगे टू पाई, कितनी पाई, टू पाई अंडर रूट एम ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा टी ए प्लस बी। अब देख लीजिए जो हमें प्रूफ करना था क्या है, था वो टी बराबर टू पाई अपॉन अंडर रूट में भी, ये क्या ऐसा हो गया हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आया है।